Good morning, yes, please. कल अपन बात करी द्रव्य के बारे में है ना, और द्रव्य में क्या बताया था अपने पास कि द्रव्य जिनका द्रव्यमान होता है और जो स्थान कहते क्या कहलाते हैं, द्रव्य कहलाते हैं। उसमें दो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में भी वो जिनका रासायनिक संगठन एक समान हो, प्योर फॉर्म में हो, दैट इज शुद्ध पदार्थ। तत्व जिसमें एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। फिर अपन ने बात करी यौगिक की। यौगिक क्या बोलते हैं, दो अलग अलग तत्व आपस में मिलकर क्रिया कर एक नया यौगिक बनाते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, यौगिक। यौगिक तत्व यौगिक बनाते हैं। और तत्व में भी धातु अधातु और उपधातु। धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, और अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, है ना। और ये बोले कि धातु सारी एक तरह से सॉफ्ट होती है, पर उससे ज्यादा कठोर कौन होगी, अधातु होगी। धातु सारी क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है, और अधातु है कुचालक होती है। ये सब नॉर्मल बातें अपन जानते हैं। उपधातु अपने लिए नई चीज थी। उपधातु किसे कहते हैं, तो उपधातु कहते हैं अपन इसको, उपधातु कहते हैं। उपधातु बोलते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उनमें, उपधातु कहलाते। जैसे अपने बताया था सिलिकॉन, आर्सेनिक, पोलोनियम, एस्टेटाइन, ये सारी चीजें मैंने बताई थी, है ना। नेक्स्ट आप बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण है ना, मिक्सर या मिश्रण किसे कहते हैं, ये मेरा मिश्रण। मिश्रण किसे कहा जाता है ना, मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित हो या असमान मात्रा में उपस्थित हो, ये जिनका रासायनिक संगठन असमान हो क्या कहलाता है, एक तरह से मिश्रण कहलाता है। जिनका रासायनिक संगठन असमान हो वह मिश्रण कहलाता है, है ना। तो ये चीजें इसमें मिश्रण को दो भाग बांटते हैं, दो भाग बांटते थे, एक तो होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। मिश्रण की बात करें, मैंने एक ही बात बोली, जिनका रासायनिक संगठन या दो से दो या दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन असमान हो, ऐसा हो असमान क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रण को अपन इसको बांटते हैं पुनः दो भागों में, पुनः किसमें बांटते हैं, दो भागों में, है ना। और इसको कॉपी में लिखा भी करो डियर स्टूडेंट्स, है ना। सारे कॉपी में नोट्स बनाओ, और पीडीएफ मैंने भेजी है, उस पीडीएफ को भी देखना ताकि अपना काम आसान हो जाए। उसके नोट्स बनाना, चेक करूंगा जब भी स्कूल खुलेंगे तब, है ना। तो अब यहाँ पे मिश्रण, मिश्रण को दो भाग में बांटते हैं, इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा होता है अपना विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। एक समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसको अपन कहते हैं होमोजीनस, होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। इसको कहते हैं हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, अब यहां पे इसको अपन मिक्सचर, मिक्सचर मतलब मिश्रण। मिश्रण में क्या, दो से दो से अधिक पदार्थों का संगठन अगर असमान है, दैट इज मिश्रण कहलाता है। अपन यहां बात करते हैं समांगी मिश्रण की, तो समांगी मिश्रण किसे कहा जाता है। समांगी मिश्रण नाम से स्पष्ट है, समांग मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिश्रित रूप में हैं, पर उनका रासायनिक संगठन कैसा है, समान रूप से दोनों पदार्थ कैसे हैं, समान मात्रा में मिले हुए हैं, तो ऐसे क्या कहलाता है, अपना समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी किसे बोलेंगे, जो दो पदार्थ आपस में मिश्रित हैं, है ना, दो पदार्थ आपस में मिश्रित हैं, उनकी मात्रा कैसी होगी, असमान, है ना। चीनी या नमक का मिश्रण,
चीनी व नमक का मिश्रण, और समांगी मिश्रण का तो इस ब्रह्मांड के अंदर एक ही उदाहरण कौन सा, वायु, एक ही उदाहरण कौन सा, वायु, और इसका कौन सा होगा, चीनी व नमक का मिश्रण, चीनी व नमक का मिश्रण। ठीक है बेटा, ये अपने को आती है बात समझ में, ये हुई अपने पास मिश्रण की बात। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का संगठन असमान हो, इस तरह से कैसा पदार्थ, ऐसा मिश्रण, इसे क्या कहते हैं अपन, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कितने प्रकार का, दो, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, जिसमें जो मिलने वाले या मिश्रित होने वाले पदार्थ कौन सी मात्रा होंगे, समान मात्रा में, कौन सी मात्रा में होंगे, समान मात्रा में होंगे। और ये विषमांगी क्या कहलाएगा अपना, असमान मात्रा, असमान मात्रा में होंगे, असमान मात्रा कहलाएगा एक तरह से, है ना। यहां पर जो मिश्रित होने वाले पदार्थ है वो कौन सी मात्रा में होंगे, समान मात्रा में होंगे, ये वाले किस मात्रा में होंगे, तो असमान मात्रा में होंगे। ये बात हुई अपने पास मिश्रण की कंप्लीट। और समांगी मिश्रण क्या है अपने लिए, वायु, और दूसरे में क्या है अपने पास, चीनी व नमक का मिश्रण। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास द्रव्य के रासायनिक, द्रव्य के गुण और उसका मापन, द्रव्य के गुण और उसका मापन। दूसरा आता है अपने पास द्रव्य के गुण एवं उसका मापन, द्रव्य के गुण एवं उसका मापन। अब द्रव्य के गुण है उसका मापन, मतलब द्रव्य के दो प्रकार से हो सकता है, तो भौतिक और दूसरा रासायनिक, है ना, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। द्रव्य के दो तरह के गुण हो गए, पहला भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, और दूसरा आता है अपना रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या बोलते हैं, यू बोले कि भौतिक गुणधर्म के अंदर कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था में या भौतिक अवस्था के रासायनिक संगठन में बिना परिवर्तन किए उसे अगर मापा जाए, बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ की भौतिक अवस्था के रासायनिक संगठन में, रासायनिक संगठन को बिना परिवर्तित किए मापा जाए, दैट इज भौतिक गुणधर्म, है ना। अगर बोले उसके अंदर रासायनिक गुणधर्म का कहना यह होगा कि उसके जो भी पदार्थ है अगर उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन करके उसे मापा जाए, इट इज रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखते हैं, पदार्थ के वे गुण जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन को बिना परिवर्तित किए मापा जाए क्या कहलाता है, भौतिक गुणधर्म कहलाता है। उदाहरण इसके एग्जांपल देखो, इसके एग्जांपल या उदाहरण क्या होंगे, तो वो होगा अपने पास जैसे कि घनत्व, आयतन, गलनांक, क्वथनांक, रंग, गंध। इससे पता पड़ा रंग और गंध, क्योंकि अपन ने उसके रासायनिक संगठन में कोई चेंज किया ही नहीं है, फिर भी अपन उसको क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं।
उसका मान मापन कर सकते हैं, माप ज्ञात कर सकते हैं। और रासायनिक गुणधर्मों में क्या बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा, क्या कि पदार्थ के रासायनिक संघटन को परिवर्तित करके उसे अगर मापा जाए तो पदार्थ के वे गुण, पदार्थ के वे गुण जिसके रासायनिक, जिसके रासायनिक संगठन को परिवर्तित करके मापा जाए है ना। इसके उदाहरण क्या होंगे अपने पास, एग्जांपल देखेंगे तो ऑक्सीकरण, अपचयन, ये सारे रिएक्शंस के नाम है। आप कैसे केमिकल में चेंज आ उसके रासायनिक परिवर्तन करते हो, ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन और ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, प्रतिस्थापन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, विस्थापन और आदि। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के गुणधर्म कितने, दो, कौन कौन से, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म किसे बोलते हैं, पदार्थ के वे गुण जिसमें पदार्थ के रासायनिक संघटन को बिना परिवर्तित किए जाए, बिना परिवर्तित किए उसे मापा जाए, क्या कहलाता है भौतिक गुणधर्म। कौन कौन से, रंग, गंध, आयतन, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, बहुत सारे हो सकते हैं आदि, है ना। अब रासायनिक गुणधर्म में क्या बोला, क्योंकि पदार्थ के वे गुण जिसके रासायनिक संगठन को परिवर्तित करके फिर उसे मापा जाए तो क्या कहलाते हैं, वो अपने रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। इट्स ऑक्सीकरण, अपचयन, दहन, प्रतिस्थापन, विस्थापन एंड आदि। क्लियर, बहुत सारी है नाम, तो बहुत सारे हो सकते हैं चेंज करने में, है ना। ये स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट बात करें अपन, नगला टॉपिक आता है अपने लिए भौतिक गुणधर्मों का मापन। अब भौतिक गुणधर्मों का मापन कैसे किया जाए, भौतिक गुणधर्मों का मापन कैसे किया जाए, नेक्स्ट आता है भौतिक गुणधर्मों का, भौतिक गुण धर्मों का माप। अब भौतिक गुणधर्मों के मापन, क्योंकि तो अपन मानते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर कहते हैं पदार्थ को अपन परिमाणात्मक रूप से जब भी एनालिसिस किया जाता है तो उसको परिमाणात्मक मापन किया जाता है। कौन सा मापन किया जाता है, परिमाणात्मक मापन किया जाता है, मतलब कोई ना कोई रिजल्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा, परिमाणात्मक मापन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, जैसे अपने को लिखा है 16 मीटर, इसमें एक तो क्या होती है संख्या और दूसरा क्या होता है उस माप का मात्रक या उसकी इकाई होती है ना। लंबाई ले ली, लंबाई को कैसे मापेंगे, एक कमरे की लंबाई है ना, अभी तो अपन इसी ले रहे पर पदार्थ को भी मापेंगे। इसे बोला एक कमरे की लंबाई है ना, और कमरे की लंबाई कितनी है 16 मीटर। मैंने कहा ना अभी कि एक तो क्या होगी संख्या होगी और दूसरा क्या होगा उसकी इकाई होगी, एक तो संख्या होगी और दूसरी इकाई होगी। कमरे की लंबाई 16 मीटर, 16 मीटर एक संख्या हो गया और इसका एम क्या हो गया इकाई हो गया, है ना। तो ये बात समझ में आती है अपने को कि इसी तरह से अपन कहते हैं कि रसायन विज्ञान के अंदर जो भी पदार्थ होता है उसका भी कहीं किसी न किसी रूप में माप होती है, उसका इकाई होती है, उसकी यूनिट होती है, सब कुछ अपन सीखेंगे। ठीक है, तो ये अपने हो गया द्रव्य के गुणधर्मों का मापन। नेक्स्ट आ जाओ, पहले विश्व में ये बोले कि विश्व में मापन की दो पद्धतियां बता देते, पुराने जमाने प्राचीन काल में पहले जो बताते थे वो थी एक तो अंग्रेजी पद्धति और दूसरी थी मीट्रिक पद्धति, है
है ना, दो पद्धतियां थी। तो पद्धतियां पहले विश्व में जो मापन की पद्धतियां दो प्रकार से थी, काम की नहीं है अपने, कोई नहीं पूछे इनको पद्धतियां, है ना, दो प्रकार की बताते हैं। एक तो बताते हैं अपन अंग्रेजी पद्धति, अंग्रेजी पद्धति, और दूसरी बताते हैं अपन मीट्रिक प्रवृत्ति, मीट्रिक पद्धति, मीट्रिक पद्धति बताते हैं। बस ये ध्यान रखो, ठीक है, इसके कोई डिटेल नहीं, कुछ भी नहीं यार, यहां तक अपने को बात समझ में आती है, आगे नेक्स्ट चले। चलो नेक्स्ट आ जाओ, मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, नेक्स्ट मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी चालू होता है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आना है, मतलब आना है, डन है ना, कोई भी चेंज कर सकता है। चलो नेक्स्ट देखो, मातृकों की, मातृकों की अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति मतलब एसआई पद्धति, ये ध्यान रखना, एसआई पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, वो एसआई पद्धति है, एसआई को लिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल, क्या कहते हैं एसआई पद्धति का पूरा नाम क्या है, ये पूछा गया कई बार, तो क्या बोलते हैं, ली ली सिस्टम, ली सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, डी यूनिट इसको कहते हैं अपन एसआई पद्धति, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट कहा जाता है, है ना। और इसको सबसे पहले बताने वाला कौन था, इसको या इसको लागू करने वाले कौन थे, वो था अपने पास एक और वर्ड आता है सीजीपीएम, सीजीपीएम इसको कहते हैं अपने पास कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस जनरल, जनरल डेस पोइस इट मेजर, जनरल डेस पोइस इट मेजर, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना अपने पास कि मातृकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कौन सी है, तो एसआई पद्धति, और एसआई पद्धति को कौन लागू, किसने लागू किया, तो सीजीपीएम, सीजीपीएम एक सम्मेलन हुआ था जिसमें बताया कि मातृकों की एसआई पद्धति होती है, इनका पूरा वाक्य में सर्वमान्य यही है, एसआई पद्धति अपने लिए काम की है ना, एसआई पद्धति अपने लिए काम की है, और एसआई पद्धति को बिटर सीजीपीएम जो बनाया गया, एक ये संस्था थी और एक सरकारी संस्था है, और इसको मीटर परिपाटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मीटर परिपाटी, मीटर परिपाटी भी कहा जाता है, दैट इज मानक की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाती है ना। और इस एसआई पद्धति में सात मात्रक होते हैं, कितने, सात मात्रक होते हैं, देख लो इन सात मात्रकों को फटाफट, ये जो बहुत सात भौतिक राशियां एसआई पद्धति के अंदर, एसआई पद्धति के मात्रक, इधर मैं टेबल बना रहा हूं, भौतिक राशि, भौतिक राशि प्रतीक, इसका प्रतीक, भौतिक राशि का प्रतीक, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक क्या होगा, और इस मात्रक का प्रतीक, ठीक है, ये मात्रक का प्रतीक है, मात्रक का प्रतीक, यहां पर किसका है, राशि का प्रतीक, सबसे पहली आती है अपनी, सबसे पहले आती है, अपन मापते हैं इसको लंबाई में, सबसे पहला किसको मापते हैं, लंबाई, ठीक है, लंबाई को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एल से, और इसका मात्रक क्या होता है, लंबाई को हमेशा किसमें मापते हैं, मीटर, और मीटर के लिए सिंबल क्या आता है अपने पास, स्मॉल एम, लंबाई एल, मीटर और स्मॉल एम, द्रव्यमान,
दूसरा आता है अपना द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं अपन स्मॉल एम से, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या हो जाएगा अपने लिए, के और जी, किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा मात्रक आता है अपने लिए समय, तीसरा समय, समय को देते हैं अपन स्मॉल टी, स्मॉल टी, और इसका किसमें होता है सेकेंड, सेकेंड में किसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस से। फिर आता है विद्युत धारा, जानते हो अच्छे से पढ़ के आए हो टेंथ क्लास में, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से। पांचवा उष्मागतिक तापक्रम, उष्मागतिक तापक्रम, कैपिटल टी से, कैसा होता है केल्विन, केल्विन होता है, और कैपिटल टी से इसका राशि का हो गया, केल्विन का प्रतीक क्या होगा के, केल्विन का प्रतीक क्या होता है छठा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा किसमें रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा ध्यान रखना एन, बहुत काम की चीजें है, सारी सारी काम की चीजें ये एन, और पदार्थ की मात्रा को किसमें लेते हैं अपन मोल में, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एमओ एल से, एमओ एल से। लास्ट आता है ज्योति तीव्रता, सातवां मात्रक ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसको अपन देते हैं आई म्यू से, और इसका होता है कैंडेला, कैंडेला, इसका मात्रक क्या हो गया कैंडेला, कैंडेला को अपन देते हैं सीडी से। ध्यान रखना मात्रक लंबाई, लंबाई को एल से, एल को कितने मात्रा है मीटर में, मीटर मतलब स्मॉल एम, फिर द्रव्यमान स्मॉल एम, और किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को स्मॉल टी से प्रदर्शित किया जाता है परंतु उसका मात्रक क्या होता है सेकंड, देन एस, विद्युत धारा अपनी आई, एम्पियर इसका मात्रक विद्युत धारा का, देन एम्पियर का ए, उष्मागतिक तापक्रम को अपन कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, दैट इज तापक्रम का मात्रक क्या होता है केल्विन के, फिर पदार्थ की मात्रा एन, मोल और एल। ध्यान रखना ये सारे इनके ये जो है ये भौतिक राशियां हैं, ये इसके मात्रक हैं, ये इसके सारे के सारे प्रतीक होते हैं। कंप्लीट, आज के लिए थैंक यू।